दोस्तों जब आप हद से ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो एक दिक्कत आपके सामने आती है कि वीर आपका पतला हो जाता है। इसके साथ साथ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो जाती है, यानी कि जल्दी से आपको लिंग में तनाव नहीं आ पाता है, कड़कपन नहीं आता है। फिर आप टैबलेट खाते हैं तरह तरह की तनाव लाने के लिए। या फिर होता है कि जो आपके स्पर्म है वो कम हो जाते हैं, शुक्राणुओं की संख्या कम होती चली जाती है। और जब आपकी शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तो आप पिता बनने का जो आपका सपना मन में था वो मन में ही रह जाता है। आप जांच कराते हैं अपनी वाइफ की, नॉर्मल आती है, लेकिन आप अपनी जांच नहीं कराते, डर के। पता चलता है कि कमी आपके अंदर थी, शुक्राणु आपके अंदर कम थे। या फिर ऐसा होता है कि जी खान पीन ही आपका गलत है, मास्टरबेशन आप नहीं करते हैं लेकिन आप बाजार में जाते हैं, तला भुना खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, स्विगी से जोमेटो से आप ऑर्डर कर देते हैं, घर पर ही उल्टा सीधा खाना लेकर के आ जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खाना भी अच्छा खा रहे हैं, मास्टरबेशन भी नहीं करते, लेकिन आपको केमिकल वाला खाना दिया जा रहा है, आपको इंजेक्शन लगा करके आपको सब्जी दे करके जा रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप कैसे उससे बचेंगे, आपको तो पता ही नहीं है। और अगर पता भी है तो करेंगे क्या, कैसे उसको केमिकल को बाहर निकालेंगे, सब्जी तो हमको खानी है। तो ऐसी कंडीशन में आपका वीर्य पतला हो जाता है। और वीर्य पतला होने से कोई देखिए समस्या नहीं होती है भाई, लेकिन समस्या क्या है कि जो उसके अंदर शुक्राणु है, जो उसके अंदर स्पर्म है वो कम हो जाएंगे। और जब वो कम हो जाएंगे तो एक समस्या आपके साथ बनेगी कि आप पिता नहीं बन पाएंगे, आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी। जो आपके स्पर्म है कम है, महिला के जो एग है उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। एक निश्चित संख्या होती है शुक्राणुओं की जो जा करके उसे फर्टिलाइज करते हैं। जब संख्या ही कम है, शुक्राणु आपके कमजोर हो चुके हैं, मोबिलिटी उनकी बहुत कम है, स्लगिश ज़्यादा है, बेजान ज़्यादा है, तो वो कैसे से एग को जाकर के फर्टिलाइज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मैं आपको एक टैबलेट बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका वीर्य का पतलापन खत्म होगा, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत खत्म होगी और आपके शुक्राणु की संख्या जो कम थी उसकी समस्या कम होगी। शुक्राणु की संख्या को बढ़ाएगा, उनकी मोबिलिटी को अच्छा करेगा। तो ये बहुत बेहतरीन टैबलेट है। तो इस टैबलेट का नाम है कार्निक्यू टैबलेट और इसकी बेसिक डिटेल हम थोड़ी सी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो इसका पहला प्रयोग है वो है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है, जो न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता है उसको ये पूरा करता है। इसके अलावा जो मेल प्रॉब्लम है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, उनको ये दूर करने का काम करता है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, यानी इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। दोस्तों इसके अंदर एल कार्निटाइन यानी कि लीवोकार्निटाइन पाया जाता है। इसके अलावा को एंजाइम Q10, जिंक, लाइकोपीन और एस्टाजेंथिन जैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि आपकी मेल इनफर्टिलिटी या मेल सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने के लिए बेहतर काम करती हैं। अब जल्दी से इसके यूजेस यानी इसके प्रयोग जान लेते हैं, कहां कहां पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगर आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको फुलफिल करने का ये काम करती है टैबलेट। इसके अलावा आपके नर्वस टिश्यूज़ को मेंटेन रखने का काम करती है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करती है, उसे सुधारती है, कोई समस्या उसको बेहतर करती है, आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाती है यानी शुक्राणु की संख्या को आपको बढ़ाती है। जब शुक्राणु की संख्या बढ़ेगी तो मेल इनफर्टिलिटी तो खुद ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये स्पर्म की हेल्थ को भी अच्छा करती है। देखिए केवल संख्या ज़्यादा होने से स्पर्म की फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पता चला है कि जी 70% तो उसमें से डेड ही हैं, मोटाइल है ही नहीं, 30% ही काम करे, तो कहाँ से आप पिता बन जाएंगे। तो मेन क्या है कि संख्या तो है ही ज़रूरी, उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी, उनकी हेल्थ भी मैटर करती है, तो उसको भी अच्छा करने का काम करती है टैबलेट। इसके अलावा आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, आप थका थका सा महसूस करते हैं, कमजोरी सी आपके अंदर बन रहती है, आलस सा सुस्ती सी बन रहती है, काम करके आते हैं फिर सेक्स करने का बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, तो वो भी ये सुधारने का काम करती है। इसके अलावा एक सीमेन को कंसंट्रेट करने का काम करती है, यानी कि वीर्य को गाढ़ा करने का काम करती है। और जब वीर्य गाढ़ा होगा, जब वीर्य ज़्यादा थिक होगा, तभी ये रुक पाएगा, तभी ये बाहर बार बार नहीं निकलेगा, वीर्य का पतलापन खत्म हो जाएगा, तो खुद ब खुद शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाती है और आप ताकत अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों ये एक टैबलेट डेली आपको खाने को सलाह दी जाती है, खाना खाने के घंटे बाद या फिर नाश्ता करने के घंटे बाद। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप फिर एक गोली सुबह एक गोली शाम ले सकते हैं, आप इसको पानी से सादे पानी से आप इसे ले सकते हैं। अच्छा इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कुछ इसमें साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं, जैसे आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, उल्टी का मन हो सकता है, फिर उल्टी भी हो सकती है। इसके अलावा स्टमक पेन आपको हो सकता है यानी कि पेट का दर्द आपको हो सकता है, डिजीनेस यानी चक्कर जैसे महसूस दे सकते हैं आपको, टायर्डनेस यानी आपको थकावट सी महसूस हो सकती है, इस गोली को लेने का सुस्ती सी महसूस हो सकती है, या फिर इसके अलावा हेडक यानी सिर दर्द आपको बन सकता है, इरिटेशन या फिर आपको जलन सी महसूस दे सकती है, इंसोम्निया यानी कि नींद की कमी आपको महसूस दे सकती है, हो सकता है आपको नींद ना आए, बेचैनी सी बनी रहे। हालांकि एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये सभी के साथ नहीं होता है, 100 में से 3 या 4 लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर जितनी जल्दी आपको असर दिखते हैं, सिम्टम दिखते हैं, उतनी जल्दी ये ठीक भी हो जाते हैं। अगर आप उल्टी से का मन है तो 1-2 दिन ही हो सकता है, फिर जब आप रेगुलर टैबलेट को लेते हैं तो फिर वो नहीं होगा, या फिर 5-7 मिनट के लिए उल्टी का मन होगा फिर वो ठीक हो जाएगा। तो डरने घबराने वाली बात नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, ये सिर्फ मैंने आपको एक सिम्टम गिनवाए के हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ हों।
फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको जानना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।